हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज पटेल एजुकेशन में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रहा है कि वो मुंबई यूनिवर्सिटी के TY BCom के स्टूडेंट हो, एनुअल पैटर्न के या TY BSc IT CBC के पैटर्न के स्टूडेंट हो, ये अपना एडमिशन प्रोसेस करने जा रहे हैं तो इनका एडमिशन प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। जबकि मुंबई यूनिवर्सिटी का गाइडलाइन आप इधर देख सकते हैं कि उन्होंने गाइडलाइन में एकदम साफ साफ कहा है कि 5 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच में एडमिशन प्रोसेस चालू हो जाएगा और आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं। लेकिन जब TY BA, TY BCom के, TY BSc IT के स्टूडेंट एडमिशन करवाने जा रहे हैं, फॉर्म प्रोसेस करने जा रहे हैं, तो वहाँ डेट लैप्स या कोई अलग टेक्निकल प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो दोस्तों, इसके रिलेटेड रीज़न क्या है ऐसा दिखाने का और ये अभी तक चालू क्यों नहीं हुआ है, दोस्तों इसके ऊपर बात कर लेते हैं। दोस्तों, ये प्रोसेस जो है इस समय एडमिशन का, उसे होल्ड किया गया है। जो 5 अगस्त से चालू होने वाला था, इसे होल्ड करने का भी सबसे बड़ा जो रीज़न है कि आपका फीस को लेके, ठीक है, क्योंकि जो हमारे हायर एजुकेशन मिनिस्टर उदय सावंत सर है, उन्होंने कहा था कि जो भी फीस है उसको रिस्ट्रक्चर किया जाए, फीस को कम किया जाए, चाहे वो UG स्टूडेंट हो या PG स्टूडेंट हो, मतलब अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, सभी TY BA, TY BCom, TY BSc IT, PG DFM, जितने भी स्टूडेंट हैं, इन सभी के एडमिशन प्रोसेस को होल्ड कर दिया गया है, इनको रिशेड्यूल किया जाएगा। रीज़न एक ही चीज़ है कि भाई जो फीस है COVID-19 ये पैंडेमिक सिचुएशन के वजह से, उसे रिशेड्यूल किया जाए, उस फीस को कम किया जाए, ऐसा उदय सावंत सर का कहना है। और उसी के ऊपर विचार विमर्श चल रहा है, उसी को लेके काफ़ी डिस्कशन एंड ऑल चल रहा है। तो इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करके आप लोगों तक फिर से एडमिशन, रिवाइज एडमिशन प्रोसेस दे दिया जाएगा जो 7 अगस्त तक है, मतलब आज के दिन से चालू हो जाना चाहिए शाम या रात तक। और अगर नहीं होता है तो दोस्तों कल के दिन 8 तारीख को तो डेफिनेटली हो जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट मेरे से ये पूछ रहे थे कि सर क्यों नहीं हो रहा है, किस तरह नहीं हो रहा, दोस्तों यही रीज़न है और यही इसके रिलेटेड मुंबई यूनिवर्सिटी ने ये सर्कुलर रिलीज किया हुआ है। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।